Hello guys, welcome to Achieve IAS. My name is Ayush Methi. In this video, we will talk about why we are slaves of the senses. जितना भी हमारे सामने चैलेंजेस हैं और जितने भी हमारे सामने दुख है उन सबका कारण सेंसेस हैं. इनके बारे में ना कभी स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, ना कभी किसी बुक्स में देखने को मिलता है. हाँ, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स हैं जिनमें आपको इनके बारे में मिल जाएगा, पर इतना डेप्थ में नहीं मिलेगा जितना मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ. सेंसेस मिस्री का कारण नहीं है, दुख का कारण नहीं है. ये जब माइंड पे कंट्रोल कर लेते हैं तो वो दुख का कारण है. ये पूरी एक वेब सीरीज़ होगी. पहला ये वीडियो है, पहला ये एपिसोड है जिसके अंदर, इस पहले एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है, जब हम बच्चे होते हैं सेंसेस डेवलप कैसे होते हैं और कैसे माइंड को टेक ओवर कर लेते हैं. तो ये तो इंट्रोडक्शन है, बाकी हर वीडियो में मैं हर एक सेंस के बारे में बताऊँगा. इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूँ, हमारे 5 सेंसेस होते हैं नॉर्मली. विजन, हियरिंग सुनने वाला, स्मेल, टच, टेस्ट. 5 सेंसेस हैं हमारे. जब हम पैदा होते हैं तभी हम इनके गुलाम हो जाते हैं. ये सेंसेस हमारे ऊपर जो है टेक ओवर कर लेते हैं. धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकली चलते हैं, आपके साथ शुरू करते हैं. जब आप बच्चे थे, हम पैदा हुए तो जब हमारी आँखें खुली, जब हमको सुनाई देने लग गया, हमको दिखाई देने लग गया, तो जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट को समझने लगे, हम रोते थे तो मम्मी हमको शांत कराने के लिए क्या करती थी, ताली बजाती थी या और जो है वो ऐसे करते थे, अरे ले ले बेटा चुप हो जा, ताली बजाती थी, कुछ बजा के दिखाती थी, आवाज़ करते थे ताकि उसका रोना चुप हो जाए. तो हीयरिंग वाली जो सेंस है हमारी डेवलप हुई धीरे धीरे, हम चीज़ें सुनने लगे हैं. हम रोते थे, कोई चिल्लाता था, ताली बजाते थे तो हम हंसते थे. हीयरिंग का सेंस डेवलप हुआ. फिर हमें मम्मी चाहिए थी, अकेले नहीं रह सकते थे, मम्मी होती थी तो सिक्योरिटी सा लगता था, सेफ लगता था, ऐसा लगता था बस अब कुछ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. तो विजन वाला जो सेंस है वो डेवलप हुआ धीरे धीरे. मम्मी का एहसास जो मिलता था, मम्मी सोती थी, शुरू में तो माँ ही सब कुछ होती है तो टच का एहसास डेवलप हुआ. और फिर हमें धीरे धीरे जब, अब शुरू में तो बच्चा माँ का दूध पीता है लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको और भी चीज़ें दी जाती हैं, तो टेस्ट का सेंस भी डेवलप होता, स्मेल का भी धीरे धीरे होता ही है. इन सारे सेंसेस में अब धीरे धीरे जो मैं बात कर रहा हूँ, सेंसेस डेवलप होते चले जाते हैं धीरे धीरे जब और इन्वायरमेंट में बच्चा आने लगता है. जैसे बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसको जब सुनाई देती थी वो ताली या फिर वो चीज़ जिसकी वजह से चुप हो जाता था, तो अब उसको वही आदत पड़ गई सुनने की, हियरिंग वाला सेंस. अब इतना दिमाग वो लगा नहीं सकता कि ये चीज़ कहाँ से बज रही थी, ज़रूरी है या नहीं है, क्या है ये, बस उसको चाहिए वो. तो जब भी आप कोई खिलौना ला के उसके सामने बजा रहे हो तब तो वो चुप है, जैसे ही आपने हटाया वो रोने लग जाएगा. उसे नहीं पता कि खिलौना जो बजा रहा है उसका हाथ दुख रहा है, उसके हाथ में दर्द हो रहा है, या फिर ये क्या है, क्यों हो रहा है, उसको बस सुनाई देनी चाहिए. तो उसके दिमाग, उसके अभी रीजनिंग इंटेलिजेंस, ये कॉग्निटिव एबिलिटीज अभी डेवलप नहीं हुई, अभी वो सेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है. धीरे धीरे जब खिलौने माँ बाप लाते रहते हैं ताकि बच्चे का ध्यान खिलौने में रह जाए, उसके सेंसेस जो हैं वो बच्चों खिलौने में रहें. छोटे छोटे खिलौने लाते हैं तो बच्चा देख के खुश होता है, कोई आवाज़ करता है, कोई गाड़ी चलती है तो उसके विजन का सेंस डेवलप होता है, देखो गाड़ी चल रही है. ऐसे करते करते बच्चा खिलौनों में डूब जाता है. और फिर बाद में जब बच्चा और बड़ा होता है तो उसको कुरकुरे, चिप्स और फास्ट फूड जो होते हैं नॉर्मली, वो खाने लग जाता है. वो
धीरे धीरे जब वो खाने लग जाता है, अब उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ नुकसानदायक है या नहीं। उसको माँ बाप भी बता देंगे कि जो चीज़ आप खा रहे हो, ये जैसे चॉकलेट खा रहे हो, चॉकलेट हार्मफुल है, हेल्थी नहीं है, बॉडी के लिए सही नहीं है। आप उसको कितना भी आप बता दो, कितना भी साइंस का हवाला दे दो, उसको पता ही नहीं चलेगा। उसकी इंटेलिजेंस इतनी डेवलप नहीं हुई, उसकी रीजनिंग इतनी डेवलप नहीं हुई, वो खाएगा क्योंकि उसको खिलाई किसने? आपने। खिलौने से खेल रहा है वो, खिलौने छीन लोगे तो वो रोएगा। उसको खिलौने चाहिए, अगर उसको खिलौने नहीं दोगे तो वो रोएगा, क्योंकि अब भी उसके दिमाग में रीजनिंग इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुई कि क्यों मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। वो बस इन पर डिपेंडेंट है। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा हुआ तो देखा आसपास के बच्चे थे, आसपास के बच्चों से घुल मिलने लगा। 4 साल का 5 साल का जब वो बच्चा हुआ तो खिलौने उसने देखा कि और बच्चे के पास भी है। जब उसने देखा कि खिलौने, अब चाहे उसके पास बढ़िया बढ़िया खिलौने हो, लेकिन उस बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे खिलौने, लेकिन अगर कोई बच्चा है उसके सामने रहता है, उसके पास छोटे से खिलौने भी होंगे लेकिन वो सामने वाले के हैं, तो वो देख के थोड़ा इनसिक्योर फील करेगा। उसको चाहिए ये, उसको वो भी खिलौने चाहिए होंगे, अपने खिलौने छोड़ के वो उसके पास चल जाएगा। सेंसेस, उसकी रीजनिंग अभी डेवलप नहीं हुई कि मेरे पास बड़े खिलौने हैं और वही खिलौने उसके पास है, हो सकता है उसके पास छोटे हो, लेकिन नहीं, सेंसेस, उसको वो खिलौने चाहिए। अब वो गया उसके पास, अगर अब दो चीज़ हो सकती है, सामने वाला बच्चा उसको दे दे या नहीं दे। अगर सामने वाले बच्चे में ईगो है तब तो दे देगा, तो अगर वो दे देता है तो दोनों बच्चे दोस्त हो जाएंगे आपस में, तब बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाएगा। और यहीं से चीज़ की शुरुआत होती है माइंड की। माइंड को ये चीज़ समझ में आने लग जाती है कि जो इंसान आपकी हेल्प कर रहा है, जो आप चाहते हो, अगर वो दे रहा है तो वो आपका अच्छा दोस्त है, अगर वो नहीं दे रहा तो आपका दुश्मन है। पूरी ज़िंदगी हमारी इस इकलौती चीज़ पे पूरी डिपेंडेंट रहती है। आज जो रिलेशनशिप्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली जो रिलेशनशिप्स हैं वो बस लेने देने पे टिकी हुई है। वो मुझे कुछ दे रही है, उससे मुझे मज़ा आ रहा है तो है, वन रिलेशनशिप नहीं है। मैं मैरिड कपल्स की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। स्लेव्स ऑफ द सेंसेस, बचपन से ही ये चीज़ डेवलप होने लग गई कि जो हमें खिलौने दे रहा है, अर्थात जो हमें मज़ा दे रहा है, वो हमारा दोस्त है। और मान लो अगर वो नहीं देता, आप मम्मी पापा के पास जाओगे, रोगे। क्यों? क्योंकि यही चीज़ आपने अब तक सीखी है। आप दिमाग अभी भी नहीं लगाना सीखे, ना मम्मी पापा ने आपको लगाना सिखाया कि खिलौने जो है वो इतने नहीं ला सकते, इनकम क्या होती है, टाइम कितना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। ये चीज़ शुरू में अगर कैसे सिखाते, बच्चे थे आप, और अब आप जब रोना आपको आता है, रोना आपको ही आता है तो आप रोते हो। अब जैसे आप रोते हो, माँ बाप क्या करेंगे? मान लो आपके माँ बाप अमीर हैं, रिच हैं, तो आपको दिला देंगे, तो आपकी और सेंसेस पावरफुल हो गई। अब आप तो पूरी कॉलोनी के बच्चों के खिलौने ले सकते हो, और आपको नहीं दिलाते तो आप ज़्यादा रोगे तो हो सकता है आप पिट भी जाओ। बच्चे हैं, पिट जाते हैं, पिटने के बाद बच्चे चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में इनसिक्योरिटी बैठ जाती है कि उस बच्चे के पास ज़्यादा है, मेरे पास खिलौने नहीं है, तो वो दुश्मनी उस बच्चे के साथ और बढ़ जाती है, और माँ बाप की जो नफरत है साथ में वो भी बढ़ जाती है। दिखाई नहीं देती बच्चे को, ऐसे नहीं होता कि रूठ जाए बच्चा हमेशा, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में वो माँ बाप के, आप कह सकते हैं कि एक रेस्पेक्ट नहीं कहते, इसको डर बैठ जाता है, और वो डर बहुत खतरनाक होता है, वो शुरू में पता नहीं चलता। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई, या तो अगर अपने बच्चों को खिलौने दिला दिए तो उसके सेंसेस और डेवलप हो गई। अब मान लो आपको खिलौने दिला दिए आपने, उस बड़े खूब सारे बढ़िया बढ़िया, अब जो सामने वाला बच्चा मान लो आपके बच्चे के पास आ रहा है, अब उसको और ज़्यादा इससे ईगो बूस्ट होएगा कि मेरे पास बड़े खिलौने हैं तो सब मेरे पास आएंगे। मान लो 4-5 बच्चे उसके आगे पीछे डोलते हैं, उसको बुलाते हैं बार बार खिलौने के लिए कि खिलौने ले आ, हम भी खेलेंगे, उसका मानते हैं उसकी बात, वो डांट भी देता है तो उसकी बात मानते हैं, उससे लड़ते नहीं हैं, ईगो डेवलप हो रहा है, ईगो बूस्ट हो रहा है उसका कि हाँ मेरे पास खिलौने हैं, मेरे पास अगर पावर है, मेरे पास वो चीज़ है जो मैं लोगों को दे सकता हूँ, तो वो मेरे गुलाम रहेंगे, वो मेरे साथ में रहेंगे, मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे चाहे कितना कुछ भी बोलें, मेरे सामने नहीं बोलेंगे। स्लेव्स ऑफ दिस सेंसेस, ये ईगो कैसे डेवलप हुआ, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, रोना धोना सेल्फिशनेस ऐसे डेवलप होती है। ये तो बात मैंने कर दी खिलौनों की, जो छोटे छोटे आप बच्चे होते हो छोटे छोटे खिलौने, अब आप बड़े हो तो आपको बड़े खिलौने चाहिए, बाइक कार, उन पर बाद में आऊँगा। मैं बताता हूँ टेस्ट की बात। बच्चे थे हम तो हमको जो है धीरे धीरे फास्ट फूड चखाना सिखाया, छोटा छोटा करके, धीरे धीरे करके। अब जब हम बाज़ार में या फिर कहीं भी कुछ भी देखते हैं, या बच्चा कोई दूसरा खा रहा होता है तो दूसरे वाले बच्चों को भूख लग जाती है कि मैं भी खाऊं, उसको पता है, हो सकता है वो सामने वाली चीज़ जो वो खा रहा है उसके लिए, बॉडी के लिए सही नहीं हो, लेकिन उसको पता नहीं है और इतना सोच भी नहीं सकता, खाएगा वो। आज
ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चों को स्टार्टिंग में ही टेस्ट वाले सेंस का गुलाम बना दिया जाता है। उनको अगर माँ बाप वो चीज़ जो सामने वाला बच्चा खा रहा है दिला देते हैं तो सेंस और पावरफुल हो गया। अगर वो बच्चा वो चीज़ खा लेता है उसका सेटिस्फेक्शन उसको हो जाती है तो अब उसको नई चीज़ चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोच पाएगा कि कब तक मैं ये चीज़ों खाते रहूँगा, कब तक मैं इसके पीछे पड़ूँगा, कब तक ये साइकिल चलेगी। लेकिन नहीं, इतना सोच कैसे सकता। आज जो भी लोग फास्ट फूड के दीवाने हैं, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको पता है ये चीज़ उनके शरीर में जाके नुकसान नहीं करेगी, उनके शरीर को तोड़ेगी, फिर भी अगर वो खाते हैं खुद को प्रॉमिस करके कि सिर्फ एक बार, तो खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन आपको सिखाया किसने, आप ये सेंसेस आपके पावरफुल कैसे हुए? ऐसे ही तो हुए। टेस्ट की बात, अगर मैं विजन की बात करूँ तो आप बच्चे थे तो आपको डोरेमोन वगैरह देखना सिखाया, कार्टून देखना सिखाया, धीरे धीरे आपको आदत पड़ गई। तो जब तक आप नहीं देख लेते तब तक आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, ठीक है? तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये बचपन में ही डेवलप हो जाती हैं। आज ये चीज़ें कोई नहीं समझेगा ना, वो चीज़ें जिनको भी समझ में नहीं आती जो मैं बोल रहा हूँ, वो आज नहीं तो कल पक्का अपनी ज़िंदगी में जाके रिग्रेट करेंगे, अगर वो सेंसेस के पीछे भाग रहे हैं तो। और 99% सेंसेस के पीछे भाग रहे हैं। आज इन सेंसेस की वजह से, इन स्लेवरी की वजह से, आपकी इस गुलामी की वजह से बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कई तरह की इंडस्ट्री चल रही है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से कैपिटलिस्टिक क्लास इसलिए कैपिटलिस्टिक है, इसलिए उनके पास इतनी कैपिटल है, क्योंकि आप अभी भी अपने सेंसेस के गुलाम हो, स्लेव्स हो। आपका दिमाग काम नहीं करता उस जगह जब सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। अब धीरे धीरे आप बड़े हुए तो स्कूल गए, स्कूल में एडमिशन दिलाया, तो आपका बच्चा देखा कि अब दो तरह के बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले या नहीं पढ़ने वाले। स्टार्टिंग में तो यही होते हैं, टॉप, एवरेज, और बॉटम में तो बाद में कैटेगरी निकलती है। स्टार्टिंग में तो बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, मोस्टली बच्चे नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, एक दो बच्चे, उनको देख के बाकी के माँ बाप चिढ़ते हैं कि यार ये बच्चा पढ़ रहा है, ये क्यों नहीं पढ़ रहा, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, मेरे बच्चे में दिमाग कम है क्या, मेरे में दिमाग कम है कि मेरे बच्चे में दिमाग कम है, जो मतलब मैं भी तो इंटेलिजेंट हूँ, मेरे बच्चे में क्यों नहीं है, मैं पढ़ाऊँगी इसको। माँ मारती है उसको, पीटती है, प्यार से पीटती है, भले के लिए पीटती है लेकिन पीटती है, क्या करे। स्टार्टिंग में यही था भाई, जब तक बच्चा जिद करता था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए तब आप पीटते थे, अब बच्चा नहीं पढ़ रहा तो भी आप पीटोगे, अब बच्चे को पीट रहे हो बच्चा फिर भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अभी तक उसका दिमाग सेंसेस में ही है। वो पढ़ाई, ये सीखने वाली जो चीज़ है ना, मैं आपको बताऊँ, बुक्स पढ़ने वाली, सीखने वाली, ज्ञान वाली चीज़ किसी भी सेंस से नहीं जुड़ी हुई। अगर आपको पढ़ाई में मज़ा नहीं आता ना, अगर आप पढ़ाई से बोर हो जाते हो, या बार बार अगर सर्च करते हो कि हाउ टू गेट इंटरेस्टेड इन स्टडी, तो इसका इकलौता ही कारण ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि स्टडी आपके किसी भी सेंस से नहीं जुड़ी हुई। आप अगर क्यूरियोसिटी से कुछ सोचते हो, किसी चीज़ की डेप्थ में जाते हो, नॉलेज, वो किसी भी सेंस से नहीं जुड़ी हुई। किस सेंस से जुड़ी हुई मुझे बताओ, किसी से भी नहीं जुड़ी हुई। क्यों, कारण है इसका। लेकिन अब तक बच्चे सेंसेस से जुड़े थे इसलिए पढ़ नहीं सका। अब दो कारण है, मान लो माँ ने बहुत जोरदार पीट दिया बच्चे को, अब तो बच्चे से रहा नहीं जा रहा, दो चीज़ें होंगी, या तो माँ थक जाएगी पीटते पीटते, बच्चा थक जाएगा पीटते पीटते। मान लो माँ थक गई, छोड़ो कितना पीटे इसको, बेटा रह गया, बच्चा रह गया, बच्चे को कितना पीटे माँ का भी तो दिल पिघल जाता, छोड़ दिया, अब वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। उसको समझ में आ गया कि नहीं पढ़ने का एक ही तरीका, पिट लो, एक बार पिट लो, आधे घंटे पिट लो, गई दिन भर की, फिर खेलो क्योंकि माँ थक गई। ये चीज़ उसे दिमाग में बैठ गई, ढीठ बन गया बच्चा। अब मान लो बच्चा थक जाता है पिटते पिटते, मान लो माँ ने जोरदारी प्रहार कर दिया, ओ भाई, तब तो बच्चा जो है अब मान लो पढ़ने बैठ गया, जोर लगा रहा है, पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा लेकिन पढ़ रहा है, डर के मारे पढ़ रहा है। अब आ गया उसमें डिसिप्लिन, कहने को तो डिसिप्लिन है लेकिन एक डर है, जो शुरू में मैंने बताया, एक डर उसके मन में बैठ गया, उसके अभी भी अंदर से वो क्यूरियोसिटी नहीं आई कि वो क्यों पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ना उसके स्कूल में बताया गया, घर पे मम्मी मारती है। अब मान लो डिसिप्लिन से बच्चा टॉप भी आ गया, और जो नहीं पढ़ रहा वो तो नहीं पढ़ रहा, उसको तो इलाज पता चल गया, उसको तो मैजिक ट्रिक पता चल गई बचने की। बच्चा धीरे धीरे बड़े होते हैं, 5th-6th क्लास में जाते हैं तो और ज़्यादा डिटेल आने लगती है, पढ़ाई में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने लगती है, और इतना बर्डन बच्चे के पास में आ जाता है कि बच्चा, अब दो तरह के बच्चे हो जाते हैं यहाँ भी,
जो बच्चा शुरू से नहीं पढ़ता वो खेल कूद में स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, कुछ जो है वो दिन भर टीवी देखते हैं, जिनको कोई प्रेशर नहीं होता, जिनके माँ बाप प्रेशर नहीं डालते वो दिन भर टीवी वगैरह, वो अपने सेंसेस के अभी भी गुलाम होते हैं, चिप्स वगैरह खाते रहते हैं, खेलते नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन वो खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अच्छी होती है, जैसे हमारे आसपास के कुछ बच्चे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिट पिट के पढ़ने लग जाते हैं, उनका ध्यान कैसे ना कैसे पढ़ाई में लगा दिया गया है, वही लोग बोर्ड में टेंथ और ट्वेल्थ में जाके टॉप करेंगे। अब कहने का तो आप कह सकते हो कि पिटाई बहुत ज़रूरी है बच्चे को आगे लाने के लिए, टॉप करने के लिए, अगर वो नहीं पिटता तो बच्चा जो है वो टॉप कैसे करता। एजुकेशन सिस्टम का हमारा सबसे बड़ा फेलर ये है कि हम एक बच्चे को टॉप कराना जानते हैं, एक बच्चे को 90% के ऊपर मार्क्स लाने दिलवाना चाहते हैं, बाकी बच्चों को कैसे पढ़ाए हमको नहीं आता। ये तो एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलर है। अगर एक एक बच्चा अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर आगे बढ़े और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगाए बिना किसी प्रेशर के, तब मैं मानूँ कि हाँ एजुकेशन सिस्टम, चलो मान लो 2-3 बच्चे वो टॉप भी कर गए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बीच में बताना भूल गया, वो ये कि जब हम बच्चे थे तब हम शैतानी करते थे, तब हमारे माँ बाप हमको ऐसे बोलते थे, बेटा अच्छा बच्चा है तू, गुड बॉय है ना, शैतानी नहीं करते, मत कर शैतानी। अब आप ढीठ हो तो आप ये नहीं मानोगे, लेकिन आप समझदार हो, समझदार इन द सेंस आपके मम्मी पापा से आपको डर लगता है तो आप मानोगे, लेकिन हियरिंग वाले सेंस में ये चीज़ आपके बैठ गई कि अगर आप गुड बॉय हो तो आप शैतानी नहीं करोगे। बच्चे बड़े हुए नहीं पढ़ता तो माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ो, गुड बॉय हो, गुड बॉय पढ़ते हैं, गुड बॉय हो आप तो पढ़ोगे, टीचर ने तारीफ करनी शुरू कर दी, देखो ये है बच्चा पढ़ने वाला, ये टॉप करेगा, तुम सब नालायक हो। बच्चे के हियरिंग सेंस में वो चीज़ एक्टिव हो गई वापस कि मेरी तारीफ़ हुई, अच्छा लगता है सबको तारीफ़, किसको अच्छी नहीं लगती। मिडिल क्लास जो पर्सन है ना आज की तारीख में, मिडिल क्लास वो इसलिए मिडिल क्लास है क्योंकि उसको तारीफ तो पसंद है लेकिन गाली पसंद नहीं है, गाली पसंद नहीं है। और जो गाली सुन सकता है वही ऊपर जा सकता है लेकिन गाली पसंद नहीं है। एग्ज़ाम किसी बच्चे का क्लियर नहीं हो रहा तो माँ बाप से गाली मिलेगी, समाज से गाली मिलेगी, दुनिया भर से फ्रेंड से गाली मिलेगी, तू तो पढ़ रहा था ना, क्यों नहीं हुआ फिर तेरा, लेकिन सुनना नहीं है, गाली नहीं सुना, तारीफ़ सुननी है। क्यों? क्योंकि हियरिंग सेंस, बचपन से हमें तारीफ़, अब टीचर पर टीचर तारीफ कर रहा है, प्रिंसिपल तारीफ़ कर रही है, स्कूल स्टाफ तारीफ़ कर रहा है, बच्चे का न्यूज़पेपर में नाम आ रहा है, बच्चा खुश, बाकी बच्चों को पता ही नहीं। अब उसके दिमाग में चीज़ बैठ गई कि वो अब खुद के लिए नहीं पढ़ रहा, वो केवल ईगो के लिए पढ़ रहा है, खुद की इमेज उसने बना ली कि मेरी एक इमेज ऐसी है, ऐसी कि मैं पढ़ता हूँ, सब मेरी तारीफ़ करते हैं, माँ बाप तारीफ़ करते हैं, माँ बाप के दोस्त तारीफ़ करते हैं, माँ बाप भी खुश। अब वो बच्चा इसलिए कम मार्क्स नहीं लाना चाहता क्योंकि उसको गाली सुनने को मिलेगी, और बाकी बच्चे इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि उनको भी तारीफ़ सुनने को मिले। तो मेहनत करने वाला तारीफ़ सुनने के लिए मेहनत कर रहा है, खुद के लिए कौन मेहनत कर रहा है? ऐसे सिस्टम में बच्चे अगर टॉप भी आ जाते हैं तो मैं मानता हूँ उनके टॉप आने का कोई मतलब नहीं है। वो बच्चा आप कहते हो क्यों नहीं है, 1 करोड़ रुपए की नौकरी लग गई, पैकेज लग गया, उसका ही भला हुआ, तारीफ़ कर करके सर किसी बच्चे का भला हो रहा है तो क्यों गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि माँ बाप और टीचर्स जो हैं वो ऐसे तो बच्चे के भले के लिए सोचते हैं, लेकिन आज की दुनिया ऐसी है कि आप टॉप कर जाते हो, आपको करोड़ों का पैकेज लगता है तो आपसे उतना ही काम करेंगे जितने का आपको पैकेज मिल रहा है। कॉर्पोरेट स्लेव फ्लेव जिनको कहते हैं ना, कॉर्पोरेट स्लेव्स वो बन जाओगे। तारीफ़ सुनने की आदत थी, बॉस से तारीफ़ सुनी, अब बॉस को आपका ट्रिगर पता है, आप बहुत दयालु, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत डिसिप्लिन बच्चे हो, तारीफ़ आपको पसंद है, तारीफ़ आपकी करनी पड़ेगी, तारीफ़ करता है, आप दिन रात काम करते हो, पैसे देते हैं आपको, आप दिन रात काम करते हो, पैसे ले लेके आप क्या करोगे? अच्छा, पैसे लेके आप क्या करोगे? खर्चा करोगे। कुछ लोग होते हैं जिनको तारीफ़ नहीं मिलती लेकिन पैसे के मोटिवेशन में पढ़ते हैं, यार 1 करोड़ रुपये आ गए तो यहाँ घूम लूँगा, 2 करोड़ रुपये आ गए तो यहाँ घूम लूँगा, इतनी सैलरी, इतना बोनस आ गया तो यहाँ घूम लूँगा, ये चीज़ ले लूँगा, वो चीज़ ले लूँगा, ये भी तो सेंसेस ही हैं। तो वो बॉस से तारीफ़ सुन सुन के अगर काम कर रहा है, किसी दिन उसको बॉस ने निकाल दिया तो वो क्या करेगा, क्या करेगा? वो डिप्रेशन में आ जाएगा। IITs कोटा पढ़ते हो ना, कितनी सुसाइड होती है, बच्चे क्यों करते हैं वो सुसाइड? क्योंकि प्रेशर, स्ट्रेस, बच्चों को फोर्स किया जा रहा है पढ़ने के लिए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हमारा नाम रोशन करो, समाज का नाम रोशन करो, पढ़ना है तुम्हें, पैकेज लेना है, गधों की जैसे पढ़ो। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है।
इन्फॉर्मेशन सिंपल फैक्ट्स होते हैं, नॉलेज होती है पूरी एक क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी से आती है, आप सोच रहे हो ऐसा क्यों, वाई नहीं सिखाया जाता। कुछ बच्चे होते हैं जो क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते हैं और वही जो होते हैं वो महान, जो आप कह सकते हैं पदों पे जाते हैं, जिनकी वास्तव में क्यूरियोसिटी डेवलप हुई, जैसे स्टीफन हॉकिंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन। क्यूरियोसिटी सर, क्यूरियोसिटी। मैं कहता हूँ हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, इतना इंटेलेंट है भारत के बच्चों में, लेकिन जिस तरीके से उनको प्रेशर दिया जाता है वो बच्चे क्या करें। ठीक है, करोड़ों का पैकेज लग गया आपका, आप अभी भी शांत नहीं हुए, बॉस आपको तारीफ़ कर रहा है, आप अरबों कमा रहे हो, बॉस अभी भी तारीफ़ कर रहा है, तारीफ़ करते 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 आप इतने कमाएं, सब कुछ आपने कमा लिया, तारीफ़ भी सुन ली, अब आप तारीफ़ से उब गए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो अब आप जाओगे भगवान के पास। जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, काम करने की बस की नहीं रहती, खूब कमा लिया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि बचपन में जब आप खिलौनों के साथ खेलते थे तो एक भी खिलौना ऐसा नहीं था जिससे आप कभी बोर नहीं हो, या एक भी खाने की जैसी ऐसी नहीं थी जिससे आप बोर नहीं हुए। तो आज जितने भी खिलौने आपके पास होंगे, आप जब नौकरी कर रहे हो, आपके पास कितनी भी बड़ी गाड़ी आ जाए, कितनी भी बड़ी कार आ जाए, मैं जब छोटा था, आप जब छोटे थे तब सोचते होंगे, जब आपकी पहली साइकिल आई होगी, कि पहली साइकिल, साइकिल से मन भर गया तो आप बाइक के लिए सोचते थे, बाइक के अलावा ऊपर कुछ जाते ही नहीं थे, सोचते थे बाइक चाहिए बस, और कुछ भी हो जाए फिर कार की। ऐसे हम बढ़ते चले गए और आज भी लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, एक गाड़ी नहीं तो दो गाड़ी चाहिए, दो गाड़ी नहीं तो चार गाड़ी चाहिए, आदत चली गई, आदत जो है पड़ गई है बस, क्योंकि सेंस आपको, आप इमेजिन करते हो कि मेरे पास एक करोड़ का पैकेज होगा, इतने पैसे होंगे, मैं BMW में घूमूंगा, वो इमेजिनेशन जो आप कर रहे हो और जिसमें आप देख रहे हो कि एक गाड़ी जा रही है और आप बैठे हो उसमें से निकल रहे हो, आप कोट पहने हुए, ये विजन की सेंस है, ये आप चाहते हो कि लोग आपको इस तरीके से देखें। आप कभी भी कुछ भी इमेजिन करोगे तो आप इस तरीके से खुद को देखोगे जैसे आप कोई दूसरे व्यक्ति हो और आप अलग हो, मेरी बात समझ में आ रही है, ये सेंसेस होते हैं। मैं अब तक जो मेरा हुआ, अब अच्छा मैं ये कह रहा था, चलो मैंने बात कर ली किस तरीके से बच्चा पढ़ता है, बिलियंस ऑफ पैकेज लेके जाता है, उसके बावजूद भी वो स्लेव बन के रह जाता है। अच्छा, बच्चा क्यूरियोसिटी से काम कर रहा है, शुरू से क्यूरियोसिटी से पढ़ता है, खुद को डेवलप करने के लिए पढ़ता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बचपन से उसको सुनने की, तारीफ सुनने की आदत थी, वो तारीफों के लिए काम करता जाएगा और पैसों के लिए काम करता जाएगा, और पैसों के लिए जब तक काम कर रहा है, जब तक पैसे उसकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर इंटरेस्ट की बात आ गई। आप बचपन में 4-5 साल के थे, दोस्त इसलिए बनाते थे क्योंकि आप उससे खिलौना मिलता था। अब आप बड़े हो गए हो, जो आपको घुमा सकता है, जो आपको प्यार दे सकता है, जो आपको सब कुछ दे सकता है, जो आप चाहते हो, आपका बॉस आपको अच्छा लगता है क्योंकि जो आपको पैसे दे रहा है, आपको अपने दोस्त अच्छे लगते हैं जो आपको घुमा सकते हैं, जो आपकी सारी इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं। जिस दिन आपके दोस्त ने पैसे देने से मना कर दिया, आपको गंदा लगने लग जाता है वो दोस्त। इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुए हैं इसे, ऐसे धीरे धीरे आप फंस जाओगे। अब जब आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, जब आप समझ जाओगे कि आप पैसे नहीं कमा सकते, सारे पैसे खर्च कर दिए लेकिन अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तब आप जाओगे भगवान के पास। जबकि उल्टा होना चाहिए था कि पहले आप भगवान के पास जाते हैं। खैर, ये बात की बात है, समझाऊंगा। ये बात कर ली हमने उन बच्चों की जो टॉप कर गए। अब जो बच्चे थे नालायक, जो पढ़ते नहीं थे, उनका क्या हुआ? वो बच्चे अभी भी ढीठ, टीचर पीट देता है, पिट जाते हैं, उनको पता है इलाज ही है, पिट लो आधे घंटे, पूरे दिन भर की गई, पिट जाते हैं, काम नहीं करते। एक चीज़ ध्यान रखना कि अब उनका ईगो बूस्ट है, अब उनमें ईगो बन गया कि नहीं होता कुछ भी, कुछ भी गालियाँ सुनने को उनको मिल रही, आदत पड़ गई। इनमें से कुछ बच्चे होंगे जो इस चीज़ को समझेंगे कि उन्हें कुछ और पैशन है, और वो ऐसे क्रिएटिव फील्ड्स में जाएंगे जहाँ पर आज तक कोई नहीं गया, जहाँ पर जाना मुमकिन नहीं है, आसान नहीं होता, लेकिन वो जाएंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं नालायक बच्चों में से भी, और बाकी के जो बच्चे हैं वो भीड़ बन जाएंगे, भीड़, जिनको कहते हैं ना भीड़ चाल, जो भीड़ में काम करते हैं, जिनको छोटी छोटी नौकरियाँ चाहिए। और ये भीड़ जो होती है ना, ये आज पूरी इंडस्ट्री चला रही है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री देख लो, आपकी सारी जो आपकी डर्टी वेबसाइट्स होती, पोर्न वेबसाइट्स होती, उनकी इंडस्ट्री देख लो, आपके जो सोशल मीडिया पे जो जितनी भी आपकी ये चल रहा है ना, सब मॉडल्स वगैरह फ़ोटोज़ डाल रही हैं, और जितना भी आपका ये सब हो रहा है, ये सब इंडस्ट्री इनके भरोसे चल रही है।
ये मिडिल क्लास ही रहेंगे क्योंकि अब तक के सेंसस से निकले नहीं, ये भीड़ बन के रह गए। स्वामी विवेकानंद, ओशो, सद्गुरु, कृष्ण, इन सब ने ये सब कहा है कि इंसान का जो दिमाग है वो सारे सेंसेस को काबू में कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। आपने देखा होगा भगवत गीता पे जो फोटो रहती है जिसमें भगवान कृष्ण होते हैं, आगे अर्जुन होते हैं और पांच जो घोड़े होते हैं, वो पांच सेंसेस होते हैं। अर्जुन वो बॉडी होती है और कृष्ण माइंड होते हैं। तो माइंड, सॉरी, जो कृष्ण होते हैं वो घोड़ों को कंट्रोल करते हैं, पीछे अर्जुन होते हैं, समझ रहे हो? तो अर्जुन यानी आप, कृष्ण यानी आपका दिमाग और घोड़े यानी आपके सेंसेस। अगर आपने अपने घोड़ों की जो लगाम है अपने भगवान को दे दी, भगवान मतलब आपकी अवेयरनेस को, आपके दिमाग को, तो आपके घोड़ों को संभाल लेंगे वो। लेकिन आपने अगर लगाम अपने घोड़ों को दे रखी है, यानी आपके घोड़े कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे आप पक्का कहीं ना कहीं जाके डूबोगे। सेंसेस जानवरों और इंसानों में इतना सा ही फर्क है कि इंसान कहीं भी कंसंट्रेट कर सकता है। जानवर जैसा खाके पैदा हुआ वैसा ही खाके चले जाएगा। जानवर को भूख लगती है, भूख करेगा, जैसे उसकी सेंसेशन होती है वो वैसे करेगा, उसको जो इच्छा होती है वो करेगा। उसके दिमाग में कंसंट्रेशन, रिवॉल्यूशन, क्यूरियोसिटी ये नहीं आएगी। और जिनके दिमाग में आई वो आज इंसान है, जिन बंदरों के दिमाग में क्यूरियोसिटी आई वो इंसान है, क्योंकि उन्होंने कंसंट्रेट करना सीख लिया, उनको धीरे धीरे कंसंट्रेट करना आ गया। जब उनके शरीर की बनावट बदली, जब वो दो पैरों से चलने लगे बंदर, पहले चार से चलते थे, दो पैरों चलने लगे, तो जो हाथ थे वो खाली हो गए, तो हाथों से वो काम करने लग गए जिनमें कंसंट्रेशन दूसरी तरफ गया। चार पैरों से चलते तो वो खाते पीते सो जाते, लेकिन दो हाथ अब उनके जो फ्री रह गए, उन दो हाथों से वो क्या करेंगे? वो आग जलाएंगे, वो झोंपड़ी बनाएंगे, शिकार करेंगे, नाव बनाएंगे, पहिए बनाएंगे, पेड़ों पर चढ़ेंगे, क्या करेंगे? कंसंट्रेशन कहीं और गया, सेंसेस के आपके उठ के कहीं और गया, और तब जाके वो इंसान बने। आज आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो ना, 90% लोग सब सेंसेस के खातिर कर रहे हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी के बहुत कम स्टूडेंट्स मैं मिला हूँ जो केवल दूसरों के भले के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि इस देश को मैं कुछ दूँ, मुझे गाड़ी ना मिले, बंगला ना मिले, लाल बत्ती ना मिले, बॉडीगार्ड नहीं मिले, बड़ी गाड़ी ना मिले, प्रेस्टीज नहीं मिले, चलेगा, लेकिन मैं दूसरों को कुछ करके दूं, उनकी लाइफ कैपेसिटी बढ़ाऊं, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाऊं, उनको खुशियां दूं, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ऐसा सोचने वाले नहीं है। सबको अपने सेंसेस की पड़ी है, कहीं ना कहीं सेंसेस को खुश करना ही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब लो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में जॉब लो, पैसा लेके सेंसेस को खुद खुश करना है। खिलौने लेने हैं, गाड़ी, खिलौना, खुश करना है खुद को, और नहीं मिला तो रोगे, यार मुझे क्यों नहीं मिल रहा, उसको क्यों मिला हुआ है खिलौना, बड़ी गाड़ी इसको क्यों मिली हुई है, मुझे क्यों नहीं मिल रही, मेरे में दिमाग कम है क्या, मैं नहीं कमा सकता क्या, फिर आप कमाओगे? अंधाधुंध मेहनत करोगे, दूसरों के नौकर बन के काम करोगे, क्योंकि सेंसेस के गुलाम हो आप। और जब तक आप अपने सेंसेस के गुलाम हो, तब तक कोई भी गुलाम बना सकता है। और आजकल की रिलेशनशिप्स में यही हो रहा है कि जब तक आप सामने वाले पे डिपेंडेंट हो, मैं अगर बहुत ही कम रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जिनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हो, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता, सेल्फिशनेस नहीं होती, दोनों एक दूसरे को काबिल होते हुए देखना चाहते हैं बस। और पूरी ज़िंदगी में मैंने यही चीज़ सीखी है बस। आप अगर किसी से इसलिए प्यार करते हो क्योंकि आपको उससे कुछ मिल रहा है, कुछ फ़ायदा, वो कुछ भी हो सकता है, तो आपका वो प्यार नहीं है, वो केवल आपकी लस्ट है और वो सेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक आपकी सेंसेस खुश हो रही हैं तब तक ठीक है, आप उसको छोड़ दोगे। अगर ऐसा है तो आप अभी इस पे गौर कीजिए कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। 99% यूपीएससी में 99% लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वो पैसे के लिए, उन चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिन चीज़ों के लिए वो एग्ज़ाम बने ही नहीं। ये पूरी लाइफ की कहानी है आपके। और मैं तो ये कहता हूँ आज 99% लोग अनसक्सेसफुल इसलिए हैं, सक्सेसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने सेंसेस का गुलाम बनना पड़ रहा है और इस वजह से वो औरतों की इज्जत नहीं करते। जिस दिन आपकी चाहे गर्लफ्रेंड हो, आपकी चाहे बहन हो, आपकी माँ हो, जिस दिन आप उनकी इज्जत करना सीख गए, तब तक आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज
मेरे एक टीचर थे, वो हमेशा ये कहते थे कि इंसान चाहे तो खुदा बन सकता है, एक औरत चाहे तो इंसान को खुदा बना सकती है, बशर्ते तुम उसके शरीर पे जाना छोड़ दो। इंसान औरत के शरीर पे जाके रुक जाता है, आत्मा तक पहुंचता ही नहीं है। क्यों? सेंसेस जब तक मज़ा आ रहा है तब तक वो रोक लेते हैं, फिर उसके बाद आदमी अलग हो जाता है। अगर आप किसी अपनी पत्नी की, अगर अपनी वाइफ की, अपनी गर्लफ्रेंड की या आपकी फ्रेंड की अगर आत्मा तक पहुँचते हैं, तब आपको वो इतना मेंटल सपोर्ट दे सकती है। बहुत वुमेन में बहुत पावर होती है, तो आपको वहाँ पहुँचा सकती है जहाँ पे आप जाने की कैपेबिलिटी आप में कभी थी भी नहीं। लेकिन नहीं, आप औरत की इज्जत नहीं करते, आपको अपने सेंसेस को खुश करना है, इसलिए ही आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसलिए ही आप लोगों से बात करते हो, इसलिए ही आपके दोस्त हैं और इसलिए ही आप जी रहे हो। आप में और जानवरों में फ़र्क क्या हुआ ये आप सोचो। स्लेव्स ऑफ द सेंसेस। ये पूरी इंडस्ट्री जो वेब सीरीज़ की और जिस तरीके की ये जो एडल्ट जो सीरीज़ आ रही है, जो वेबसाइट चल रही है, इसी पर डिपेंडेंट है आपके। ये सब आपकी वजह से चल रही हैं, जो लोग अपने सेंसेस पर डिपेंडेंट हैं। अब ये सेंसेस इतने पावरफुल है, अगर आप 20 साल, क्यों मैं मानता हूँ एक एवरेज बच्चा जो मेरी वीडियो देख रहा होगा वो 20 साल का होगा, 20-22 साल का, 20-22 साल में सेंसेस इतने डेवलप हो गए। और जानते हो ना, किसको आदत अगर बन जाती है तो आदत को छूटने में उतना टाइम लगता है जितना उसको बनने में लगा था, तो आपको उतना ही टाइम अब चाहिए सेंसेस से पीछे छुड़ाने में। लेकिन ये प्रक्रिया फास्ट हो सकती है अगर आपकी विल पावर मजबूत हो तो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सेंसेस की सुनना बंद कर दो। आपको भूख लग रही है, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, या मूवी देखने की इच्छा हो रही है, घूमने की इच्छा हो रही है, किसी से बात करने की इच्छा हो रही है, तो मत करो, नहीं। लेकिन आपका जो दिमाग है हमेशा अवेयर रहना चाहिए। आपके सेंसेस कभी भी आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करने चाहिए। और ये कब पता चलेगा कि सेंसेस आपके ऊपर कंट्रोल कर चुके हैं? जब आपको कोई एक्टिविटी करने के बाद ऐसा लगे कि आपने गलत किया, ये चीज़ आप दोबारा नहीं करोगे, गिल्टी महसूस हुई, जैसे आपने कुछ फास्ट फूड खाया, जब तक मुंह में जा रहा था जब तक तो सही था, पेट में जाते ही आपके पेट में दर्द शुरू हो गया, कब्जी हो गई, आपके लूज मोशंस हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बहुत गालियाँ दे रहे हैं खुद को, क्यों खाया मैंने, वो बेचने वाले को गालियाँ दे रहे हैं कि हमको उसने बताया नहीं किससे दर्द होता, हम बेवकूफ़ हैं। लेकिन फिर दूसरे दिन आप जाओगे खाओगे। ये स्लेव्स ऑफ द सेंसेस क्या है? ये यही तो है। तो जो भी एक्टिविटी आपको गिल्ट दे रही है कि मैं ऐसा नहीं करता, उसको वहीं छोड़ दो। और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको कह सकता हूँ कि स्लेव्स, अगर आप सेंसेस के स्लेव्स नहीं बनना चाहते या सेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हो, सबसे बेस्ट तरीका जो वो होगा कि आप किसी भी लड़की की इज्जत करना सीख जाओ। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो उसको एक तरीके से उसकी आत्मा तक जाने की कोशिश करो। मेरी बात बहुत डेप्थ में, आप लोगों को 99% लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल भी सॉल्व हो जाएगी। आप अपने माइंड को वापस कंट्रोल में ला, वापस तो क्या, लेकिन क्योंकि शुरू में आप कभी माइंड को कंट्रोल में लाए नहीं, तो अब ला सकते हो। तो बच्चा जब पैदा होता है वो स्लेव होता है सेंसेस का, लेकिन धीरे धीरे अगर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, अगर अवेयर वो हो जाता है, तो वो अपने सेंसेस पे कंट्रोल पा सकता है और वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक जा सकता है जहाँ पर आज तक कोई गया नहीं। इतनी डिस्कवरीज हुई, इतने इन्वेंशन हुए, इतने एक्सपेरिमेंट्स हुए, अगर वो सब अपने सेंसेस के गुलाम होते तो कैसे जो है बल्ब का आविष्कार होता, कैसे हजार बार फेल होने के बावजूद जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने, अगर मैं सही हूँ, मुझे इन्वेंटर का नाम बताया, तो वो कैसे बनाते? उनका दिमाग तो बस इसमें लगता, खाने पीने में और बस प्लेजर एक्टिविटीज़ में। ये जो मैं चीज़ें बताया बहुत डेप्थ में, इनको करने में बहुत मुश्किलें लगेंगी, लेकिन आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ये चीज़ें समझी। जो भी बच्चा इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ तक समझने में बहुत टाइम लगता है। इतना समझने में मुझे एक साल लग गया जितना मैं आपको बता रहा हूँ अभी, और ऐसी 5-6-7 वीडियोज़ आएंगी जिनमें मैं अपने 5-6 साल का एक्सपीरियंस आपको दूंगा। आगे लास्ट में मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि पहले सारे सेंसेस के बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा माइंड कैसे इन पर कंट्रोल कर सकता है, और उस लेवल का मैं कह सकता हूँ आपको जॉय, सेंसेस आपको प्लेजर दे सकते हैं, इन्जॉयमेंट दे सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग, माइंड, नॉलेज, आपकी जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, वो आपको जॉय देगी, जॉय, समझ रहे हो, आनंद।
जैसे सुख का उल्टा दुख होता है, निराशा का उल्टा आशा होता है, वैसे एक शब्द है हिंदी में हमारी संस्कृति में आनंद, उसका कोई अपोजिट नहीं होता, क्योंकि आनंद न्यूट्रल है। आनंद मतलब आनंद, आप दुख में हो तो भी आप खुश हो, खुश मतलब आनंद ही, आपको आनंद आ रहा है, आपको मतलब ही नहीं है, खुश आपका टेम्पररी है, दुख आपका टेम्पररी है, आनंद परमानेंट है। ये चीज़ें बहुत अच्छा होता कि अगर पहले ही पढ़ा दी जाती, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे तो अब तक आपको समझ में। अब आप क्या करो, जब तक दूसरी वीडियो नहीं आ जाती, जब तक अपनी सारी एक्टिविटीज़ को चेक करो कि जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो क्या सेंसेस आपकी एक्टिव होती है कि आप इंस्टाग्राम खोलते हो। लॉकडाउन में बच्चे बोर हो रहे हैं, बोर होने के बाद वो करते क्या हैं, वही जो मैं बता रहा हूँ, आप थक गए। आप अब देखो, किसी के पास एक अच्छा प्रेशर होगा, किसी को प्रायोरिटी है, किसी को अगर काम करना है, उसका लॉकडाउन में काम नहीं रुका तो वो तब भी काम करेगा, लॉकडाउन में बोर नहीं होगा। लेकिन आपका काम रुक गया, अब आप बोर हो रहे हो तो आप शांति से बैठोगे, अब आपके सेंसेस एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड एक्टिव नहीं है। और सेंसेस जब आपके एक्टिव हो गए तब आपको वो बोर, फिर आप बोर फील क्यों करते हो, क्योंकि सेंसेस को कुछ मिल नहीं रहा ना प्लेजर के लिए। कहाँ जाए, दोस्त के पास जा नहीं सकते, बाहर घूम नहीं सकते, मूवी देखने जा नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते बाहर, घर में कितना बना के खाएं, तो आप क्या करते हो, सेंसेस को प्लेजर देने की कोशिश करते हो फ़ोन के अंदर, फिर आप चलाते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और फिर आपके वो करते थे आपके सेंसेस को ट्रिगर, और आपको उनकी पड़ जाती है आदत। जैसे नोटिफिकेशन बजता है तैसे तैसे आप उनको फ़ोन में देखने लग जाते हो, पूरे गुलाम बनाए हुए हैं आपको, ये जो सोशल मीडिया पूरा आपको गुलाम बना हुआ है, ये जो पूरी क्लास है ना कैपिटलिस्टिक, जो पूरी क्लास आपको गुलाम बनाए हुए हैं। कुछ लोगों को, चंद लोगों को छोड़ देता हूँ, कुछ है महान लोग जो अमीर भी है, रिच भी है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे बिल गेट्स और आनंद महिंद्रा जी, रतन टाटा जी, और कई हैं, मुकेश अंबानी। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो ये सब जो हैं अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ पर्दे के पीछे ऐसे लोग भी हैं जो आपको आपके सेंसेस का गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी वजह से उनका घर चल रहा है। तो अच्छे लोगों की सीख लें, रतन टाटा जैसे आदमी से सीख लें, उनसे सीखें किस तरीके से वो अपने काम को आगे रखते हैं। अपर क्लास हमेशा अपर क्लास इसलिए रहती है क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब वो सेंसेस से उठ गए, अब उनको गाली गलौज से फ़र्क नहीं पड़ता। वो हीरिंग वाली जो सेंस है ना, जो तारीफ़ सुनने से आपके ट्रिगर एक्टिवेट हो जाते हैं और आप पढ़ने लग जाते हो, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको गाली दे, उनको तारीफ, उनको उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले रहती है, उनको अपनी जो बिज़नेस है उनको आगे बढ़ाना उनकी प्रायोरिटी है। वो जानते हैं प्रायोरिटी क्या है, वो लोगों की परवाह तक नहीं करते, इसलिए वो लोगों के बीच में नहीं आते। कभी भी आप किसी भी रिच जो पर्सन है, जो कैपिटलिस्टिक जो क्लास है, उसमें किसी भी लीडर को देख लेना, अगर कोई, कुछ लोग हैं जो अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो लोग बाहर आके बोलते हैं, स्पीच देते हैं, आप देखोगे उनमें स्पीकिंग क्वालिटीज़ नहीं है, मतलब सबके सामने बोलने से डरते हैं, थोड़े कतरा रहे हैं, हिचकिचा के बोल रहे हैं, सोच समझ के बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्दे के पीछे काम करते हैं, उनको काम करने की आदत है, उन्होंने अपने सेंसेस को ओवरकम कर लिया, अब उनको पता है कि किस तरीके से वो आगे अपनी प्रायोरिटी को रख सकते हैं। खैर, ज़्यादा बड़ी ये वीडियो हो गई, फिर भी आपको अब तक ये समझ में आया होगा किस तरीके से जो है सेंसेस काम करते हैं। और अब आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं दिन भर में, देखिए कि क्या क्या सेंसेस से जुड़ी हुई हैं। और जो मैंने महिलाओं वाली बात बताई, मैं देख रहा हूँ कि डोमेस्टिक जो वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी भी एक वजह ये है कि आदमी गुस्सा निकाले किस पे। तो ये आदमियों को बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि आदमी इसलिए सक्सेसफुल नहीं है, मैंने आपको कहा, क्योंकि महिलाओं को वो उतनी इज्जत नहीं दे पाता जितनी महिलाओं को चाहिए होती है। खैर, इंसान को समझ और सीख समय के साथ ही मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।